करीब एक सप्ताह पहले चूली गांव में निजी कंपनी द्वारा चलाई जा रही जेसीबी से एक युवक के घायल होने के मामले में मंगलवार को बाढ़ में विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में विधायक ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने के साथ ही कंपनी के दोषी कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। विधायक ने जिला कलेक्टर से जल्द पीड़ित को न्याय दिलाने की बात कही। करीब एक सप्ताह पहले चूली गांव में निजी कंपनी द्वारा चलाई जा रही जेसीबी से एक युवक के घायल होने के मामले में मंगलवार को बाड़मेर विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में विधायक ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने के साथ ही कंपनी के दोषी कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। विधायक ने जिला कलेक्टर से जल्द पीड़ित को न्याय दिलाने और मुआवजा देने की मांग की। दरअसल सोनाराम पुत्र रूगाराम उम्र 45 वर्ष आदर्श चूली गांव में JSW के अधीन जालिपा व कपूरी लिग्नाइट को 2011 में जमीन अवाप्त हुई थी। उस दौरान कंपनी द्वारा अवाप्त की गई जमीन का पैसा करीब करीब सबको चुका दिया गया, लेकिन सोनाराम के घर के पैसे बकाया थे। वहीं 21 दिसंबर को कंपनी के कर्मचारियों ने सोनाराम के घर पर जेसीबी चला दी। उस दौरान सोनाराम घर के अंदर बैठा था, इससे सोनाराम के सिर पर गंभीर चोट आ गई और उसे बाड़मेर राजकीय जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया, जहां उसका उपचार किया गया। इस मामले को लेकर मंगलवार को बाड़मेर विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने घटना का हवाला देते हुए पीड़ित सोनाराम को मुआवजा देने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों को कंपनी में रोजगार में प्राथमिकता प्रदान करने की भी मांग जिला कलेक्ट्रेट से की। जो बेड पे थे और पूरे लहूलुहान थे, पूरे कपड़े खून से भरे हुए थे और सिर पर चोट थी। जब पता किया तो पता चला कि वो यहाँ पर एक किसान है, सोनाराम जी उनका नाम है, और वो एक किसान परिवार से है और उनकी जो ज़मीन थी यहाँ कंपनी वालों ने एक्वायर की और बिना उनको कोई रोज़गार दिए, बिना उनकी कोई सहायता किए, मन मर्जी से उन्होंने उनकी ज़मीन खाली कराने का प्रयास किया, उनका घर तोड़ने का प्रयास किया और जब बात नहीं मिली तो उनके साथ मारपीट तक कर ली और इतनी कर ली कि वो हॉस्पिटल में उनको एडमिट होना पड़ा। जब उसके परिवार वाले कंप्लेन FIR दर्ज कराने गए तो वो FIR दर्ज कराने के लिए भी मुझे उनकी मदद करनी पड़ी कि उनकी FIR दर्ज हो जाए। आज मैं उनसे मिली हूँ, SP साहब से भी मैंने बात की है, मैंने कलेक्टर साहब से भी मिली हूँ और मैंने यही कहा है कि यहाँ जो बाड़मेर की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ जो कंपनीज काम कर रही हैं वो यहाँ हमारे जो किसान हैं, हमारे जो युवा हैं, उनको पूरा मुआवजा नहीं मिल रहा, उनको यहाँ रोज़गार नहीं मिल रहा, उनको यहाँ न्याय नहीं मिल रहा। और ये जो परिवार है इसके साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो हमारी ये अपील है कि भाई जो किसान हैं यहाँ के, जो लैंड लूजर्स हैं जिनकी ज़मीन सरकार ने ले ली है, कंपनी वालों को किसान की बात सुननी चाहिए, सुननी पड़ेगी। तो इसीलिए आज मैं कलेक्टर साहब और SP साहब से भी मिली और मेरा विश्वास है कि इस पे ज़रूर कंपनी और एडमिनिस्ट्रेशन सब मिलकर बात करेंगे और आने वाले समय में इस परिवार को ज़रूर हम न्याय दिला पाएंगे। गौरतलब है कि लिग्नाइट कोयला निकलने की वजह से बाड़मेर शहर के निकटवर्ती कपूरी व जालिपा में वर्ष 2011 में भूमि अवाप्ति की गई थी। इस जमीन को साउथ वेस्ट माइनिंग कंपनी को सुपुर्द किया गया, जो यहां से लिग्नाइट का खनन कार्य कर रही है। भूमि अवाप्ति के दौरान कंपनी ने स्थानीय लोगों को रोजगार का वादा किया था। पीड़ित सोनाराम ने रोजगार देने पर ही जमीन खाली करने की बात कही, लेकिन कंपनी ने उसकी एक न सुनी और उसके घर पर बुलडोजर चला दिया। मंगलवार को विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी ने पीड़ित की पैरवी करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग की।